सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:27, और अभी मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज वर्कआउट बहुत ज़बरदस्त हुआ, चेस्ट और ट्राइस है, मतलब आज मज़ा आ गया। कल की वीडियो में बताया ना, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पानी पीना सच में इफेक्ट दिख रहा है मेरे को, एक दिन में इफेक्ट दिख रहा है। मतलब ऐसे क्या होता था ना रोज़ की बॉडी पूरी ड्रेन हो जाती थी, और आज वैसे गर्मी थोड़ी कम थी, टाइम से मैं जिम चला गया था 6:30 बजे के आसपास, और अभी 8:27 हो ही रहा, आ भी गया हूँ अभी तक। और ऐसे डेली क्या होता है 8 बजे तक मैं जिम जाता हूँ, जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन, तो आज भी छुट्टी है फिलहाल। इसीलिए अभी आज का वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ, और फिलहाल अभी प्रोटीन वोटीन लेते हैं, सुबह से खाना बनाने प्रोग्राम देखते हैं, वीडियो एडिट करना है वो करेंगे, उसके बाद देखते हैं। लेकिन बहुत अच्छा आज वर्कआउट है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, गर्मी भी थोड़ी कम थी, और पानी पीने से स्ट्रेंथ की कमी नहीं हुई, स्टेमिना की कमी नहीं हुई, बॉडी ड्रेन नहीं हुई वर्कआउट करते हुए, तो अच्छा। तो ये लास्ट रोटी बनाते समय मैंने सोचा फ्रॉड लोग मस्त था, क्योंकि इसके पहले रोटी बहुत मस्त फूली थी, मैंने सोचा ये भी फूलेगी बहुत मस्त, ये थोड़ी कम फूली, तो सॉरी मतलब भौकाल ख़त्म हो गया। मैंने सोचा कि मस्त दिखाता और रोटी फूलते हो कैसे मैं रोटी बनाता हूँ, मस्त मस्त। पहले रोटी में बहुत बेकार बनाता था, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस होते रहे तो रोटी की क्वालिटी भी अच्छी होती जा रही है, पतली पतली बढ़िया बढ़िया फूली फूली रोटी, मुलायम मुलायम रोटी बना रहा हूँ आजकल, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो फिलहाल अभी खाना निकालते हैं फटाफट, 3 रोटी बनाना था मेरे को, मुश्किल से 1 घंटा लगा खाना बनाने में, 1 घंटे में खाना तैयार हो गया, और 3 रोटी बनाने में 5 मिनट लगे, बस 5 मिनट तो हो गया था 3 रोटी तैयार। खाना निकालते हैं पूरा, फिर आपको दिखाते हैं क्या बनाया मैंने। तो फिलहाल अपना खाना तैयार है, अभी ये रोटी और मूंग दाल, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे चाहिए थी प्रोटीन रिच डाइट, जैसे कि मैंने आजकल व्लॉग में बहुत ज़्यादा ही बोलने लगा मैं प्रोटीन रिच डाइट, तो इसीलिए दाल बना, दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, दाल कुछ खास अच्छी बनी नहीं क्योंकि टमाटर नहीं था तो गाढ़ा नहीं हुआ उतना, तो इसीलिए। और ठीक है, जैसा भी बन गया, फटाफट बनाया मैंने, इसलिए बन गया जैसा भी वैसा खा लेंगे, तो इसे खाते हैं खा फटाफट, सुबह से देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फाइनली अपना काम ख़त्म हो चुका, और टाइम भी हो चुका है 6:04 शाम के, और वीडियो रेंडर हो चुकी है, जो वीडियो एडिट की थी हम, जो ब्लॉग अपलोड करना था। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए, नहा के जाऊँ था मार्केट, हरी सब्ज़ी कुछ टाइम मिला, हरी सब्ज़ी बनाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था हरी सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हरी सब्ज़ी खाने में बहुत डांट सुनता हूँ घर से, इसीलिए हरी सब्ज़ी खाना, तो चलते हैं हरी सब्ज़ी लाने के लिए, फिलहाल नहाते हैं चलते हैं सबसे पहले तो। और चलो 6 बज गई, अभी तक धूप है थोड़ी हल्की हल्की, मतलब शाम हो गई है, और फटाक से 8 बजते कुछ पता नहीं चलता है, मतलब 8 बजे तक रात नहीं हुई रहती अच्छे से। तो अभी फिलहाल मैंने नहा हुआ कपड़ा वड़ा सब कुछ पहन लिया, और लिटरली बता रहा हूँ नहाने को 10 मिनट भी नहीं हुए थे, मेरे बाल सूख गए, देखो थोड़े घंटे करके मैंने नहाया, बट नहाया है मैंने, और इतनी गर्मी है कि कपड़े जो मैं पहन रहा था ना, कपड़े रूम में रखे हुए थे फिर भी इतने ज़्यादा गर्म हो गए थे, पहनने पता चल रहा था कि हाँ कहीं पे आग के सामने रखे हुए थे कपड़े, इतने गर्म हो गए थे कपड़े। फिलहाल अभी चलते हैं बाहर का मौसम, ना ही गर्म है ना ही ठंड, मतलब गर्म ही समझो है, आज कल की तरह नहीं है। और नहाने से पहले मेरे को क्या लग रहा था, रूम के अंदर मेरे को ठंडक महसूस हो रही थी, रूम के बाहर गर्म हो, और नहाने के बाद क्या हो रहा, रूम के बाहर ठंडक और रूम के अंदर गर्म, क्योंकि मैंने खिड़की बंद कर दिया था रूम का नहाने जब मैं गया था। फिलहाल अभी चलते हैं लेके आते हैं हरी सब्ज़ी और फिर बनाएंगे। वैसे तो आज मैं बनाना नहीं खाना, बट खाना मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हरी सब्ज़ी बनानी है, जो हरी सब्ज़ी मुझे बनानी है उसको बनाने जाना मेहनत नहीं है, तो सिर्फ गलाना है, तो वो मैं ऐसे गैस पर रख के बाहर घूम घूम में बना सकता हूँ, तो उसी लिए मैं लेके आ रहा हूँ, तो वही बनाएंगे। भी हरा सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी है, और मेरा मन भी रहता है खाने का चावल के साथ स्पेशली, तो चलते हैं लेकर के आते हैं, फिर बताता हूँ क्या सब्ज़ी है। तो कितना रुपया भैया? 10 रुपया किलो, आधा किलो दे दीजिएगा। आधा किलो, एक आदमी में तो आधा किलो नहीं लगेगा, आप पाव भर कर दीजिए उसको, एक आधा किलो, ये आधा किलो ज़्यादा ही लग रहा है, पाव भर करेंगे तो
तो सब्जी वब्जी लेके आने के बाद यहाँ बैठ के मस्त पंखे की हवा खा रहा हूँ, और गर्मी अचानक से बढ़ चुकी है, बढ़ नहीं चुकी मतलब गर्मी है ही, गर्मी हो रही है अभी तो। ज़्यादा समय तो मैंने गोलगप्पे वगैरह खा लिया, तब यही होता है बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग कह रहा मतलब अगर आप मतलब हेल्थ लाइफ स्टाइल की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो और आपकी ये जो जीभ है वो ना माने तो क्या होता है, खाने के बाद से आपको रिग्रेट होता है। तो मैं तो अपने दिल को बनाता हूँ कि नहीं रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट फिर भी अंदर अंदर रिग्रेट होता है क्यों खा लिया मैंने, क्यों खा लिया एक्स्ट्रा कैलोरीज क्यों ले ली मैंने, तो यही होता है। फिर हमेशा रोज़ मैं सोचता हूँ कि कोई जंक फूड नहीं खाना है, कोई जंक फूड, तो फिर लेकिन जाता हूँ तो ये जो चाट और ये जो गोलगप्पे होते हैं ना, ये दोनों चीज़ अवॉइड करना बड़ा मुश्किल होता है, और मीठे चीज़ में मेरे को आइसक्रीम अवॉइड करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। ये तीन चीज़ छोड़ के मैं सब कुछ अवॉइड कर सकता हूँ, ना ही बर्गर खाता हूँ, ना ही मैं चाउमीन खाता हूँ ज़्यादा, ना ही ये मोमोज वगैरह ये सब कुछ नहीं खाता हूँ, ना ही चिली पोटैटो ये सब कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ ये चाट और गोलगप्पे और आइसक्रीम, यही तीन चीज़ें हैं जिसको मैं नहीं छोड़ सकता और इसको कैसे भी करके मैं खाता ही हूँ। तो रिग्रेट होता है थोड़ा बहुत, पर फिर लेकिन खाने के समय बड़ा मज़ा आता है, खा के तो आ गया। फिलहाल अभी खाना बनाने की तैयारी करते चलते हैं, बर्तन तो धुलते सोते खाना रख जाएंगे, खाना बनाना खाना बनाना। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 9:28 और खाना अपना रेडी है, ये हरी सब्जी और चावल। ये सब्जी मुझे चावल से ही पसंद आती है, इसको मैं चाहता तो सुबह में बना सकता था बट चावल से पसंद आती, फिर मैंने रात में बनाया, फिर सुबह में रोटी खाया था मैंने। और सब्जी बहुत आसान है बनाना, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस इसको अंदर एक बार इसको छोंक के इसमें कढ़ाई में डाल दिया, उसके बाद से अपने आप गलता रहेगा बस आप छोड़ दो उसको, बस थोड़ा इसको चला दो, थोड़ा सा कूच दो इसको, उससे तैयार जाएगा मस्त सब्जी बन गई है। अभी खाना खाते हैं, बहुत टाइम था खाना ही उनका जाना, अभी तक खा लिया आराम से। तो फिलहाल अभी अपना खाना पीना हो चुका है टाइम से, देखो हेल्दी हेल्दी खाना खा के ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आज बहुत दिनों बाद हरी सब्जी खाई, वो सब्जी तो मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैं कभी बनाऊँगा, बट बना लिया, अच्छा बना था। तो फिलहाल खाना पीना हो चुका है, 4 बजे सो रहे, फिलहाल इस ब्लॉग करते हैं एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैं यहाँ पर सो रहा हूँ और मैडम ठीक सामने देखो क्या दिख रहा है, कितना मस्त नज़ारा है, ठीक सामने खिड़की खुला हुआ है, तो देखो मतलब ये नज़ारा मेरे को किसी और रूम पे तो मिल नहीं पाएगा, बट बरसात के दिन में ये रूम जितने दिक्कत देगा उसमें रूम कोई रूम दिक्कत नहीं देगा, इसीलिए मेरे को छोड़ना पड़ेगा, वरना यहाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट यहाँ थोड़ी सी फैसिलिटी कमी है, यानी पानी कम मतलब पानी प्रॉपर आर ओ नहीं होता है, और थोड़ी बहुत और कमी है बरसात के दिन में, रोड वोड की कमी है, रोड वोड पानी लग जाएगा बरसात में, ये सब प्रॉब्लम है, उसको छोड़ना पड़ रहा था, ये देख के तो बिल्कुल कभी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा।